नमस्कार बच्चों, मैं हिंदी अध्यापिका बबीता गुप्ता, आज की इस क्लास में आपका स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। बच्चों, आपने पहचाना ये कौन है? पहचान गए? हाँ, मीराबाई। बच्चों, ये है मीराबाई। मीराबाई के आपने भजन भी सुन रखे होंगे, सुन रखे है ना? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूजो ना कोई। तो बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे क्लास 7 के सिलेबस में भोर और बरखा, जिसको लिखा है मीरा बाई ने। बच्चों, मीरा बाई का जन्म 1498 में राजस्थान के जोधपुर में चौकड़ी ग्राम में हुआ था और इनकी मृत्यु 1547 में हुई। इनकी रचनाएं हैं बरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ के पद। बच्चों, मीराबाई कृष्ण की अनन्य उपासक थी, कृष्ण को अपने प्रियतम के रूप में, अपने पति के रूप में मानती थी। कहते हैं जब मीराबाई छोटी थी तो एक बार उनके घर के पास से एक बारात निकल रही थी, तो सारे मोहल्ले के बच्चे, आप लोग भी आके देखने ही लगते होगे ना, जब कोई बारात आती है, बाजा बजते हैं, तो आप भी देखने के लिए आते हो ना। तो वैसे ही मीराबाई छोटी थी और भी पड़ोस के सारे बच्चे और जो है मीराबाई वो बारात देखने लगी। तो जब देखा उन्होंने कि घोड़ी पे दूल्हा बैठा हुआ है, तो अपनी माँ से पूछती हैं मीराबाई कि माँ ये कौन है? तो मीराबाई की माँ उसे बताती हैं कि बेटी ये दूल्हा है। तो मीराबाई चूंकि छोटी थी, बचपना था, तो अपनी माँ से कहती हैं कि माँ मेरा पति कौन होगा? तो मीरा जी की जो माँ है वो घर के अंदर गई और एक कृष्ण की छोटी सी प्रतिमा लाकर जो है मीराबाई के हाथों में दे दिया और बोली ये है तुम्हारा पति। तब से यानी बचपन से ही मीराबाई कृष्ण को जो है वो चाहने लगी थी, कृष्ण के ही पदों को गाती थी, कृष्ण की ही भक्ति करती थी, उस मूर्ति को लेकर, वो कृष्ण की उस मूर्ति को लेकर उसी के साथ खेलती थी, उसी के साथ खाती थी, यानी पूरी तरह से कृष्ण की भक्ति में बचपन से ही वो रम गई थी। थोड़े समय के बाद यानी जब मीराबाई थोड़ी बड़ी हुई तो उनका विवाह कर दिया गया। मीराबाई विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन परिवार के लोगों ने जो है बहुत दबाव डाला, तो मीराबाई का विवाह जो है उदयपुर के महाराणा भोज के साथ इनका विवाह हुआ। विवाह के थोड़े दिनों के बाद ही मीराबाई के पति नहीं रहे। तो मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन थी, कृष्ण के पदों को गाती थी और जो है मंदिरों में जाकर जो है वो नृत्य करती थी, झूमती थी। लेकिन इनके ससुराल के जो परिवार के सदस्य थे, यानी इनके पति के जो एक सौतेले भाई थे बड़े, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने मीरा को मारने के लिए कई बार प्रयास किए। एक बार क्या किया, मीराबाई को जो है एक सांप के डिब्बे में, यानी सांप के फूल की टोकरी में सांप रख के जो है वो मीराबाई के पास भेज दिया। उनको लगा कि जब मीरा जी खोलेंगी तो उसको, इनको सांप काट लेगा और ये मर जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मीराबाई ने उस डिब्बे को खोला, उस फूल की टोकरी को खोला, तो वहां पर सांप नहीं, पुष्प थे, फूल थे और एक सालीग्राम की मूर्ति थी। मीरा जी बच गई। फिर दोबारा जो है, फिर उनके परिवार के सदस्यों ने मीरा को जहर देने की कोशिश की, यानी उनको जहर दिया गया ताकि मीरा जो है जहर पी के मर जाए। लेकिन मीरा ने उस जहर को पी लिया, लेकिन वो उनके लिए अमृत हो गया, वो अमर हो गई। तो इस तरह जो है उनके परिवार के सदस्यों ने जो है कई बार जो है मारने का प्रयास किया, कि क्योंकि एक राजा महाराजा के घर के सदस्य, उनके घर की कोई बहू मंदिरों में जाके साधु संतों के साथ सत्संग करे, उनके साथ नाचे, उनके साथ झूमे और गाए, वो उनको अच्छा नहीं लगा। परिवार की प्रताड़ना सहते सहते मीराबाई एक दिन जो है घर छोड़कर वृंदावन चली गई और वृंदावन में ही वो मंदिरों में गाती थी, नाचती थी, झूमती थी
और वहां के सारे जो लोग होते थे वो उनको देवी समझकर प्रणाम करते थे। तो मीराबाई के लिखे हुए पद जो है वो पढ़ते हैं, भोर और बरखा। बच्चों, भोर का मतलब होता है सुबह, प्रातःकाल। तो यहां पर माँ यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह जगा रही। आप लोगों की मम्मियां भी आपको जगाती है ना, सुबह उठो, उठ के जो है तैयार हो, आपको स्कूल जाना है, नाश्ता करना है, आपको भी जगाती है। लेकिन आप क्या बोलोगे, मम्मी 5 मिनट, मम्मी सिर्फ 5 मिनट। तो इस तरह जो है फिर आप अलसाए हुए आंखों को ऐसे ऐसे मसलते हुए आप उठते हो और उसके बाद जो है फिर आप दैनिक कार्यों में लग जाते हो। तो यहां पर माँ यशोदा अपने लाल, अपने कृष्ण को जो है जगा रही हैं। बच्चों, आप सबको पता है कि देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान थे कृष्ण। इनका जन्म जेल खाने में हुआ था और उसके बाद जो है उनको जो नंद के घर में पहुंचाया गया था, जहां पर नंद ने और यशोदा माँ ने इनका पालन पोषण किया। तो ये माता यशोदा जो है वो अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं कि सुबह हो गई है, बेटा उठो। क्या बोल रही हैं, जागो वंशी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे। यानी माँ यशोदा कह रही हैं, बेटा बंसी वाले मेरे लाल, मेरे बेटा उठ जाओ। रजनी बीती भोर भयो हैं, घर घर खुले किवारे। यानी रजनी यानी रात बीत गई है और सुबह हो गई है, सभी के घर के दरवाजे खुल गए हैं। बच्चों, पता है ना कि रात को सभी लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं और सुबह जब होती है तब घर के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो यहां पर भी माँ यशोदा अपने लाल कृष्ण से कह रही हैं कि बेटा उठो, रात बीत गई है और सुबह हो गई है, सबके घर के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत सुनियत है कंगना के झनकारे। बच्चों, यानी नंदग्राम में गोपियां जो है उठ गई हैं और एक घड़े में जो है वो दही को ऐसे ऐसे मथ रही हैं। तो जब दही को मथा जाता है तो कंगन की झनकार भी सुनाई देती है। तो माँ यशोदा कह रही हैं कि गोपियां जो है उठ गई हैं और अपने जो सुबह सुबह उठ के यानी दही को मथ रही हैं, और मथने से जो है, दही के मथने से जो है कंगन की आवाज यानी झनकार जो है वो सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, यानी हे मेरे पुत्र, हे लाल उठ जाओ। भोर भयो है सुर नर ठाढ़े द्वारे। यानी भोर हो गई है, सुबह हो गई है, तो बेटा उठ जाओ। नर माने आदमी और सुर माने देवता, यानी जो नंद ग्राम के जो पुरुष थे वो आपके दर्शन के लिए और देवता भी आपके दर्शन के लिए दरवाजे पर खड़े हैं, उठ जाओ मेरे बेटे। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय शब्द उचारे। यानी जो ग्वाल बाल हैं वो सब जो है आवाज कर रहे हैं और आपकी जय जय कार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ मलिने, गौवन के रखवारे। यानी जो ग्वाल बाल के जो बच्चे हैं वो जो है उठ गए हैं और अपने हाथ में मक्खन और रोटी लेकर खड़े हुए हैं, गायों के रक्षा करने वाले, गायों के रखवाले। क्योंकि ग्वाल बाल और कृष्ण जी भी गाय चराने के लिए जाते थे, वो गाय की रक्षा करते थे। तो इसलिए माँ यशोदा यहाँ कह रही हैं कि जो ग्वाल बाल है उनके जो बच्चे हैं वो हाथ में माखन रोटी लेकर जो है वो गायों के जो रक्षा करने वाले हैं ग्वाल बाल, वो माखन रोटी लेकर खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर शरण आयो को तारे। मीराबाई ये कह रहे हैं, हमारे गिरधर जो हैं, हमारे गिरधर गोपाल, जिनकी शरण में अगर कोई आता है तो उसका उद्धार करने वाले हैं, उसका बेड़ा पार करने वाले हैं। तो ये था पहला भोर और बरखा का पहला पद, और इसी के समकक्ष यानी प्रकृति का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। इसी के समकक्ष माने समान एक दूसरी कविता है जिसको मैं कहना चाहूंगी, सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित। सुबह हो गई है और सुबह का जो दृश्य होता है इतना सुंदर दृश्य होता है, प्रकृति का इतना सजीव चित्रण किया है सोहन लाल द्विवेदी ने अपनी इस कविता में।
तो बच्चों, आप लोग भी अपना जो प्रातः काल का समय होता है, भोर का समय होता है, इसको सो करके आप व्यर्थ में ना गवाएं। आप लोग सुबह उठिए और सुबह उठ के पढ़ने से जो है बहुत जल्दी याद हो जाता है, मन प्रफुल्लित रहता है, पूरे दिन शरीर में एनर्जी बनी रहती है और जो है शरीर भी स्वस्थ रहता है। तो अब आप लोग भी सुबह जल्दी उठेंगे ना, तो देखिए एक समकक्ष जो है इसमें, इस भोर और बरखा यानी भोर में जो माँ यशोदा है वो अपने पुत्र कृष्ण को जगा रही हैं और कह रही हैं कि बेटा उठ जाओ। इसी के समकक्ष एक कविता लिखा है सोहन लाल द्विवेदी ने, क्या लिखते हैं, उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो, बीती रात कमलदल फूले उनके ऊपर भौरे झूले, चिड़िया चहक उठी है पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने सुंदर छवि पाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही नन्ही किरणों ने आई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, इतना सुंदर समय न खोओ मेरे प्यारे अब मत सो। तो इस कविता में एक माँ अपने बच्चे को जगा रही है कि बेटा उठ जाओ, क्योंकि सुबह का समय हो गया है, प्रातः काल हो गई है, चिड़ियां चहकने लगी हैं और रात बीत गई है, कमल खिलने लगे हैं, हवा सुंदर चलने लगी है और आसमान में लाली छा गई है, उसकी जो छाया है धरती पे पड़ रही है, धरती भी सुंदर लग रही है, यानी प्रकृति का जो सुंदर नजारा है वो कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। तो बच्चों, आप लोग जो है वो प्रातः काल उठेंगे और प्रातः काल उठ के अपना पढ़ाई का काम, जो भी आपका दैनिक जो भी आपका काम हो उसको जो है वो प्रारंभ करेंगे। तो आपको ये भोर और बरखा की ये पहली कविता थी और दूसरी कविता देखते हैं, बरखा। बरखा माने बारिश, वर्षा यानी, बच्चों आपको पता है कि ऋतुएं जो है छह होती हैं, ठीक है, देखते हैं छह ऋतुएं कौन कौन सी हैं। पहली ऋतु है बसंत ऋतु। बच्चों, बसंत ऋतु को ऋतुराज भी कहा जाता है क्योंकि बसंत ऋतु में प्रकृति जो है वो सजीव हो उठती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, आम के पेड़ों में बौर आ जाते हैं, कोयल मस्त होके जो है वो गाने लगती है और इस मौसम में ना तो ठंडी होती है ना तो ज्यादा गर्मी होती है, मौसम भी बहुत सुहावना होता है, इसलिए इसको जो है बसंत ऋतु कहते हैं और बसंत ऋतु को ऋतु राज कहा जाता है। दूसरी ऋतु है ग्रीष्म, जैसा कि सुनने से ही आपको पता चल रहा है कि ग्रीष्म माने होता है गर्मी, जो ये आती है मई और जून के महीने में। तीसरी ऋतु है वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु यानी जुलाई और अगस्त में, जिसको हिंदी महीने में हम सावन और भाद्रपद भी कह सकते हैं। चौथी ऋतु है शरद ऋतु, जो सितंबर और अक्टूबर में आती है। पांचवी ऋतु है हेमंत, जो नवंबर और दिसंबर में आती है। और छठी है शिशिर, जो जनवरी और फरवरी में आती है। यानी हर एक ऋतु का अपना महत्व है, हर ऋतु के अपना जो है त्योहार है। तो आज हम पढ़ते हैं बरखा यानी वर्षा ऋतु, यानी वर्षा ऋतु यानी सावन का महीना है और जो है आपको पता है कि सावन के महीने में वर्षा होती है, बारिश होती है और आपका भी मन करता होगा कि जो है बारिश में भीगे जो है चारों तरफ प्रकृति जो है वो हरी हो जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि सावन के ही महीने में तीज का त्योहार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार भी आता है, नाग पंचमी का भी त्योहार आता है। तो तीज के त्योहार में आपने देखा होगा कि महिलाएं जो है वो हरे हरे कपड़े पहनती हैं, हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं और हाथों में मेहंदी लगाती हैं और गांवों में तो अभी भी पेड़ों में झूले बना के जो है वो महिलाएं उसमें, लड़कियां जो है उसमें झूलती हैं, क्योंकि सावन की जो ऋतु होती है और ये यानी वर्षा का जो मौसम होता है वो बहुत ही सुहावना होता है। तो इस पद में मीराबाई ने सावन की जो है ऋतु का वर्णन किया है, क्या है जरा देखिए, बरसे बदरिया
सावन की, यानी जो सावन की का महीना है, सावन की जो ऋतु है, यानी जो ऋतु है यानी वर्षा ऋतु में जो सावन का महीना है, उस सावन के महीने में जो है प्रकृति जो है यानी बादलों से जो है वो हल्की हल्की वर्षा हो रही है, बारिश हो रही है। बदरिया माने बादल जो है वो बरस रहे हैं। सावन की मन भावन की, यानी जो सावन का महीना होता है, अभी हमने बताया कि चारों तरफ हरियाली छा जाती है, महिलाएं जो है वो मंगल गीत भी गाती हैं, सावन की कजरी भी गाती हैं, और जो है हरे हरे वस्त्र पहनती हैं, हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, और जो है मेहंदी लगाती हैं। तो सावन की जो महीना होता है सावन का, वो बहुत ही मन को बहुत प्रफुल्लित प्रदान करता है, प्रफुल्लित होता है मन, मन में एक उमंग आती है, एक आनंद का अनुभव होता है। सावन में उमड़े मेरे मनवा, यानी सावन का जो सावन की जो महीना है, सावन का जो महीना आया है, वो मन में एक प्रकार का उमंग उमंग और उत्साह जो है वो भर दिया है। मीराबाई ऐसे कह रही हैं कि भनक सुनी हरि आवन की, यानी मीराबाई को कहीं से पता चला है कि उनके हरि, उनके कृष्ण जी उनके जो है आ रहे हैं, तो उनका जो मन है वो बहुत प्रफुल्लित हो गया, उमंग से भर गया और एक खुशी से जो है वो नाच उठा। उमड़ घुमड़ चहुदिश में आया, यानी उमड़ घुमड़ कर बादल जो है वो चारों दिशाओं से आ रहे हैं, और दामिनी दमके छर लावन की, यानी आसमान में, यानी जो वर्षा ऋतु होती है उसमें जब बारिश होती है तो आसमान में बिजली भी चमकती है, और आसमान में जो है बिजली भी चमक रही है। और कैसी वर्षा हो रही है, नन्ही नन्ही बूंदन मेघा बरसे शीतल पवन सुहावन की, छोटी छोटी बूंदे जो है वो गिर रही है, बारिश तो हो रही है लेकिन छोटी छोटी बूंदे जो है वो गिर रही है, और शीतल माने ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, यानी मीरा के प्रभु श्री कृष्ण के आने की जो उनको आहट लगी है उसमें वो मंगल गान कर रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। पता है कि मीरा जो है वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनको अपने प्रियतम के रूप में, अपने पति के रूप में जो है उनकी आराधना करती थी। उन्होंने कहा है, मेरे तो प्रभु गिरधर नागर दूसरों ना कोई। तो आशा करते हैं ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।